स्वागत है दोस्तों आप सभी को एलेक्स टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी एक प्रॉब्लम इशू आ रहा है। आप अगर एमआई के डिवाइस यूज़ करते हो तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर अपडेट में एक एप्स क्विक एप्लीकेशन सर्विस फ्रेमवर्क जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब अपडेट नहीं हो रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं, आप सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में चले जाने के बाद देखिए, ये जो क्विक एक सर्विस फ्रेमवर्क है इसको आप अपडेट करेंगे तो ये इंस्टॉलिंग तो होता है, लेकिन देखिए अपडेट नहीं हो रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करोगे तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक लाइक तो जरूर दीजिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको अपने फ़ोन पे आना है और अबाउट फ़ोन पे चले जाना है, और फिर अबाउट फ़ोन पे चले जाने के बाद सिस्टम अपडेट पे चले जाना है। सिस्टम अपडेट पे चले जाने के बाद आपको अपने एमआई एंड्रॉयड वर्जन को चेक करना है कि आपका अपडेट है कि नहीं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकली हम जब अपने डिवाइस को अपडेट नहीं करते तो यहाँ पे हमारा कोई कोई टेक्निकली इशू क्रिएट होता है। तो कभी कभी हमारे ऐप्स काम नहीं करते, कभी मोबाइल के फीचर्स काम नहीं करते, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, अपने फ़ोन को अपडेट करना है और एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना है और अपने प्रॉब्लम को चेक करना है। आपको प्रॉब्लम फिक्स होता है तो अच्छी बात है, यदि आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो दोस्तों मैं आपको और एक सॉल्यूशन बताऊंगा। आप क्या कीजिए, सेटिंग्स पे चले जाइए। सेटिंग्स पे चले जाने के बाद मैनेज ऐप पे जाइए। मैनेज ऐप पे चले जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग में थोड़ा टाइम लेता है तो दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्विक एप्लीकेशन सर्विस को सर्च करना है दोस्तों। क्विक 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 सर्विस फ्रेमवर्क, हाँ तो आपको इसको सर्च करके फर्स्ट आपको क्या करना है दोस्तों, आपको स्टोरेज पे जाके फर्स्ट डाटा को क्लियर कर लेना है दोस्तों। अगर आपका डाटा शो कर रहा है कि क्लियर करने के लिए एनेबल हो रहा है तो आप उसको क्लियर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऐप परमिशन पे जाके जहाँ पे जितना भी ये परमिशन है आप इसको फर्स्ट एनेबल कर लीजिए, अगर डिसेबल है तो एनेबल कर लीजिए। आपको ये सब कर लीजिए और बैक आइए और अपने प्रॉब्लम को एक बार चेक कीजिए कि आपका प्रॉब्लम फिक्स हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे अपडेट कीजिए, चेक करते हैं कि अभी अपडेट हो रहा है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से अपडेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से अभी दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आप फिर से वही मैनेज ऐप पर चले जाइए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्विक एप्लीकेशन सर्विस को चेक कीजिए फिर से। हाँ क्विक ऐप सर्विस, इसको फिर से टैप कीजिए आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो अनस्टॉल अनस्टॉल जो अपडेट है इसको आप टैप कर लीजिए। ऑल अपडेट्स टू दिस एंड्रॉइड सिस्टम विल बी अनस्टॉल, इसको आप अनस्टॉल कर लीजिए। तो ये अनस्टॉल हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे गेट्स अपडेट में जाना है, गेट्स ऐप में, सॉरी गेट्स ऐप पे चले जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो होम स्क्रीन पे इंटरफेस है यहाँ पे ऐसे खुलेगा। आपको यहाँ पे जो मी का जो ऑप्शन है बॉटम लाइन पे उसको टैप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐप अपडेट में जाना है। ऐप अपडेट पे चले जाने के बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन सर्विस है इसको टैप कर लेना है। तो यहाँ पे अपडेट हो रहा है, अभी चेक करते हैं कि अपडेट हमारा होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों अपडेट हो गया। तो दोस्तों इस प्रोसेस को यूज़ करना है, आपको इस प्रोसेस को यूज़ करके आप क्विक एप्लीकेशन सर्विस फ्रेमवर्क अपने डिवाइस पे अपडेट कर पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।